हेलो दोस्तों, हम कुछ भी खरीदने की कोशिश करते हैं, मोबाइल फोन खरीद रहे हैं या फर्नीचर खरीद रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी सर्विस ले रहे हैं, हम इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करते हैं, इंटरनेट पे उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी वजह से मार्केटिंग जो है वो डिजिटल होती जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और यहीं पे डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत बढ़ती जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो 68 बिलियन डॉलर यानी 5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री ऑलरेडी है और ग्रो कर रही है। इंडिया में इंटरनेट यूजर 60 करोड़ प्लस हो चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं। 30 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं। फैक्ट की बात करूं तो 69% यूजर्स अपनी परचेजिंग जर्नी में सर्च इंजन पे एक बार उस प्रोडक्ट को सर्च जरूर करते हैं। 71% यूजर्स की बाइंग की परचेजिंग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है। यही सब कारण है कि आज की डेट में सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही नहीं, छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे बिजनेसमैन भी समझना चाह रहे हैं कि कैसे वो डिजिटली मार्केट कर सकते हैं, कैसे वो डिजिटली ग्रो कर सकते हैं। लॉयर्स, प्रोफेशनल, सीए, डॉक्टर्स, टीचर्स, हर कोई डिजिटली एडवांटेज लेना चाह रहा है, हर कोई ग्रो करना चाह रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप घर बैठे अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो। बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट करके आप 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हो। पूरा बिजनेस प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, 6 स्टेप्स आपको बताने वाला हूं। स्टेप 1 और 2 में ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज एग्जिस्ट करती है, तो मैं क्या हूं? मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, टीम नहीं है, तो मैं क्यों? वहां पर आपको एक मैजिकल फॉर्मूला मिलेगा। स्टेप 3 और 4 में हम क्लाइंट कैप्चरिंग की बात करेंगे, क्लाइंट्स को कैसे लाना है, कैसे आपको बिजनेस मिलेगा। स्टेप 5 में कंप्लीट बिजनेस प्लान दूंगा आपको, मंथ बाय मंथ कैसे आप ग्रो करोगे, मंथ बाय मंथ कैसे आप अर्न करोगे, कैसे 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचोगे। और उसके बाद रुकना नहीं है, वहां तक पहुंचेंगे, शुरुआत छोटी करेंगे, बेबी स्टेप्स लेके चलेंगे, लेकिन बाद में एक्सपेंशन की विजन भी आपके पास होनी चाहिए। स्टेप 6 में हम एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे। आप में से जिस जिसको ये आइडिया नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है, काम क्या करती है, तो ब्रीफ में 2-3 लाइनों में पहले ये समझते हैं कि अपना रोल क्या है, फिर हम स्टेप्स शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो काम है, मतलब जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी जो भी मोबाइल, लैपटॉप, टैब से एक्सेस हो सकते हैं, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, आपका गूगल सर्च, गूगल मैप्स, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग्स हो गए, वीडियोज हो गई, जो भी चीजें डिजिटल हैं, उनके ऊपर किसी ब्रांड का, किसी बिजनेस को प्रमोट करना, उसकी रीच बढ़ानी, उसकी ब्रांडिंग बढ़ानी, उसके प्रोडक्ट या सर्विस को राइट ऑडियंस के सामने लेके आना और उसकी सेल इंक्रीज करनी, उसकी विजिबिलिटी, उसका ब्रांड इंक्रीज करना, ये मोटे मोटे 3 रोल्स हैं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के। अब पहला स्टेप है सिलेक्ट योर एरिया। ये बहुत ही मैजिकल स्टेप है, ये एक सीक्रेट सॉस है, इसको ध्यान से सुनना पहले और दूसरे स्टेप को। अब सीन क्या है, हमें तो शुरुआत करनी है, हमारे पास ना कैपिटल है, ना इन्वेस्टमेंट, ना ब्रांड है, ना हमें नॉलेज है, राइट। अब जो बड़ी कंपनीज है वो तो हमारी बात नहीं सुनेंगी, नेस्ले हो गई, उबर हो गई, ये तो बड़ी एजेंसी के पास जाएंगे ना, ये तो पब्लिसिस की क्लाइंट है, वर्ल्ड की टॉप कंपनी है पब्लिसिस, उसके पास है। डेल, मेक माई ट्रिप, ये आपकी आवाज नहीं सुनेंगे, ये तो ग्रुप एम के क्लाइंट्स हैं, बड़ी कंपनी बड़ी एजेंसी के साथ है। ये है टॉप ऑफ द पिरामिड, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेकिन ये पिरामिड का टॉप है, यानी छोटा साइज है। अगर हम नीचे आ जाएंगे तो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जहां पे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, जहां पे प्रोफेशनल्स हैं, जहां पे हर शहर में कई लॉयर्स हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई रेस्टोरेंट्स हैं, कई होटल्स हैं, कई टीचर्स हैं, कई स्कूल्स हैं, कई कॉलेजेस हैं, ये लोग बड़ी एजेंसीज अफोर्ड नहीं करते, पर डिजिटल होना चाह रहे हैं, इन लोगों को चाहिए छोटी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो उनके बजट में फिट बैठे। और आपको शुरुआत करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आप पहली चीज कि हमें फोकस करना है छोटे बिजनेसेस पे, हमें फोकस करना है स्मॉल लेवल के एंटरप्राइजेस पे, प्रोफेशनल्स पे, ये हमारी शुरुआत हो। अब आप बोलोगे ठीक है हिमीश, हमें समझ आ गया कि हमें स्मॉल लेवल पे फोकस करना है, वहां पे एक बहुत बड़ी नीड है, डिमांड है, उसको मीट करना है, तो बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन सीखने को इतना कुछ है और हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करें? अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो क्या क्या सीखे भाई, फेसबुक सीखे, गूगल सीखे, एड एक्सपर्ट बने, कैंपेन एक्सपर्ट बने, एसईओ सीखे, एसएमओ सीखे, ओआरएम सीखे, ई कॉमर्स सीखे, इतनी लंबी लिस्ट है, हम कैसे करेंगे? और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो कितनी इंडस्ट्रीज, एजुकेशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, आपका ई कॉमर्स इंडस्ट्री, आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हम ये सब कुछ कैसे गेन करेंगे और इतनी जल्दी कैसे करेंगे? तो यहां पे आपको एक बड़ी एजेंसी नहीं बनानी, यहां पे आपको एक 360 डिग्री एजेंसी नहीं बनानी कि हम तो सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। हमें एक शुरुआत करनी है और ये जो शुरुआत है ना,
ये सिर्फ छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ा विजन है। समझना इस चीज को, आपको एक माइक्रो एजेंसी बनानी है या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनानी है कि हम हर चीज नहीं करते पर हम जो करते हैं हमसे अच्छा यहां कोई कर नहीं सकता, ये चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड था विजीत, सिर्फ इंस्टाग्राम समझा और सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के प्रोफाइल्स को हैंडल किया। भाई हम हर चीज नहीं करते, हर किसी से डील नहीं करते, तुम डॉक्टर हो तो हम तुम्हारे लिए नहीं है, पर मेकअप आर्टिस्ट हो तो हमने तुम्हारी इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लिया और हमने इंस्टाग्राम को अच्छे से समझ लिया। सो इंस्टाग्राम मैनेजमेंट फॉर मेकअप आर्टिस्ट, और छोटे मेकअप आर्टिस्ट से शुरू करते हैं, इंडिया के टॉप मेकअप आर्टिस्ट उसके पास है और रेवेन्यूज उसके ग्रो करे। मेरा फ्रेंड करण, दो तीन बार मैंने कई वीडियोज में एग्जाम्पल दी उसकी, रेस्टोरेंट्स में एक्सपर्ट किया। अमृतसर के रेस्टोरेंट्स को अगर डिजिटल मार्केटर चाहिए तो करण है, क्योंकि उसने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को समझा और फेसबुक को समझा, दो चीजों को कॉम्बिनेशन को समझा और अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करी। बात को समझ पा रहे हो ना कि आप अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई एक चीज पे आप एक्सपर्ट बन सकते हो। बताऊंगा अगले पॉइंट में कैसे। एग्जाम्पल्स देखो, अब अभिजीत आर्य होटल्स के ऊपर फोकस किया, हॉस्पिटैलिटी पे फोकस किया, छोटे क्लाइंट से शुरू किया, लेकिन आज की डेट में इंडिया के टॉप होटल्स उनके पास। अभी होटल्स की डिजिटल मार्केटिंग में तो इंटरनेट मॉगल्स उनकी कंपनी है, वो एक्सपर्ट है। ऑरेंज डिजिटल only focus on healthcare, healthcare के ऊपर किसी को चाहिए, pharma companies को चाहिए, hospitals को digital marketing चाहिए, तो हम हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। fitness flyer सिर्फ fitness वालों के लिए digital marketing agency, हम industry को समझते हैं, हम digital marketing को समझते हैं, हम तुम्हारे लिए expert हैं। अब step one में आपको जो action लेना है उसमें आपकी help करता हूँ। या तो आप domain specific हो जाओ कि एक domain choose कर लो कि या तो हम education पे focus करेंगे, healthcare पे focus करेंगे, दोनों growing है, covid के time पे दोनों की importance और बढ़ी है, online education और बढ़ी है, हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, नॉन डाइंग बिजनेसेस हैं, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पे फोकस करेंगे, हम सिर्फ रिटेलर्स पे फोकस करेंगे, प्रोफेशनल्स सिर्फ डॉक्टर्स पे मैं फोकस करूंगा, मैं अपने शहर के लॉयर्स पे फोकस करूंगा, या मैं रेस्टोरेंट्स पे फोकस कर रहा हूं, कोई एक डोमेन जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसको चूज कर सकते हो। आप सिर्फ प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, अगर आपको डोमेन चूज नहीं करना, आपका किसी प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट है तो कोई एक प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हो कि यार मैं ना फेसबुक एड एक्सपर्ट हूं या मैं गूगल एड एक्सपर्ट हूं, मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन फेसबुक एड में अंदर घुस चुका हूं, उसके अंदर मैं एसईओ एक्सपर्ट हूं, मैं लोगों की वेबसाइट सर्च इंजन में आगे लानी जानता हूं, मैं गूगल मैप एक्सपर्ट हूं, अपने शहर के सारे बिजनेसेस को मैं गूगल मैप्स पे बेस्ट बंदा हूं इन द सिटी, धीरे धीरे बेस्ट बंदा इन द स्टेट, इतनी एक्सपर्टीज है मेरे अंदर। मैं वीडियो मार्केटर हूं, वीडियोस तेजी से बढ़ रही हैं, वीडियोस सबसे ज्यादा ग्रो कर रही हैं, किसी को भी अपनी वीडियो मार्केटिंग करानी है तो मैं उसके लिए हूं, किसी टीचर को वीडियो मार्केटिंग करानी है मैं उसके लिए हूं। तो वीडियो मार्केटिंग एक बहुत ग्रोइंग फील्ड, आप उसको चूज कर सकते हो, आप मिक्स कर सकते हो, ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप मिक्स करो। मिक्स का मतलब कोई एक डोमेन पकड़ ली और कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया या कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़ ली। वीडियो मार्केटिंग फॉर टीचर्स, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। आप घर बैठे शुरू करोगे, आपको फ्रीलांस क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपको लोकल क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलेंगे। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का ORM, दैट इज माय स्पेशलाइजेशन। SEO, SEO ओनली फॉर स्कूल्स, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो आप कोई एक एरिया पकड़ोगे तो शुरुआत ईजी हो जाएगी। स्टेप टू में बताता हूं कैसे। तो अब आगे हम स्टेप टू पे, एजुकेट योरसेल्फ। ये मैंने आपके लिए अब आसान कर दिया है, अब आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप चाहो स्पीड से करो, 10 दिन 15 दिन लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एक महीना आपको चाहिए होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए होगा, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। क्योंकि स्टेप वन में हमने ये समझ लिया कि हमें पूरा ब्रह्मांड नहीं सीखना, हमें पूरा यूनिवर्स नहीं सीखना, हर इंडस्ट्री नहीं सीखनी, हर प्लेटफॉर्म नहीं सीखना। तो आपको पता है कि आपके पास फिक्स टाइम है 15 से 20 दिन या 30 दिन, उसके अंदर आपने एक फील्ड को चूज किया, एक एरिया को चूज किया, आपने चूज किया टीचिंग, आप टीचिंग रिलेटेड हैंडल्स को स्टडी करोगे, उस इंडस्ट्री के बारे में जानोगे, कुछ टाइम उसके ऊपर स्पेंड करोगे, और टीचिंग को टीचर्स के लिए सिर्फ वीडियो मार्केटिंग। तो आप वीडियोस के अंदर क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे काम करती है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, थंबनेल कैसा होता है, ये दो कॉम्बिनेशन के ऊपर आप अपनी एक्सपर्टीज बनाओगे। फिर लोकल क्लाइंट्स भी मिलेंगे, नेशनल क्लाइंट्स भी मिलेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आप एड एक्सपर्ट बन गए, अभी मैं तो एक एड एक्सपर्ट हूं, मेरे शहर में जो रेस्टोरेंट्स हैं मैं उनके एड्स बेस्ट रन कर सकता हूं, या फिर मैं गूगल एड एक्सपर्ट हूं, मेरे पास 15-20 दिन है, मैंने गूगल एड्स को घोट के अंदर पी लिया है, पूरा उसके अंदर घुस गया हूं, समझ गया हूं, एक्सपीरियंस के साथ और सीखता रहूंगा, लेकिन शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपनी सर्विस दूंगा सिर्फ रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को। इस शहर में जब भी कोई नया बिल्डर आता है, कोई बिल्डिंग बनती है छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, या
इंटरनेट पे किसी को भी रियल एस्टेट के रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग करानी है अपने शहर के लिए, तो मैं अवेलेबल हूं। सो आपको ये क्लियर है कि आपको क्या सीखना है। आपने खुद को 15 दिन से एक महीना इसके अंदर दिया है, और इतना जरूर दो यार, हम 4-4 साल की पढ़ाई करते हैं तब भी इस इनकम पे नहीं पहुंच पाते। यहां पे हम 15 दिन से एक महीना तो मिनिमम शुरुआत में जरूर दें। ये आपकी रूट्स हैं, ये जड़ है। याद रखना, जड़ कड़वी होती है, फल मीठा होता है, राइट? तो पेड़ को बड़ा बनाना है तो अभी जड़ वाला टाइम है। ये कड़वा हो सकता है, मुझे तो सीखने में मजा आता है, आपको भी मजा आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फल बहुत मीठा होने वाला है। तो आप जो भी सीखना चाहते हो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, आपको पेड ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। आप अफोर्ड करते हो तो पेड ट्रेनिंग्स लो, जल्दी सीखो। नहीं अफोर्ड करते तो फ्री ट्रेनिंग से सीखो। अगर आप वीडियो मार्केटिंग सीखना चाहते हो उसमें मैं एक्सपर्ट हूं। मैं आपको हर चीज नहीं सिखा सकता, लेकिन वीडियोस मुझे पता है मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो आप यूट्यूब पे मेरी कई वीडियोस हैं, वहां से सीख सकते हो। आप मेरी पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप पेड ट्रेनिंग ले सकते हो। आपको इंटरनेट पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनसे सीख सकते हो। गूगल के ऊपर आप एड एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो गूगल की फ्री की सर्टिफिकेशन है। फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना चाहते हो, फेसबुक की फ्री की सर्टिफिकेशन है। इस तरह से यूट्यूब पे हजारों वीडियोज हैं, और कई तरह के पेड कोर्सेज हैं जहां पे आपको मेंटर्स मिल जाएंगे। सो टेक योर टाइम एंड एजुकेट योरसेल्फ। एक फील्ड पकड़ो, एक सेक्टर पकड़ो और खुद को एजुकेट करो। मेरे से वीडियो ट्रेनिंग लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। तो अब तक हमने समझ लिया कि हमें स्पेशलाइजेशन को चूज करना है। हमें पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखनी, कोई एक एरिया पकड़ के उसको अच्छे से सीखना है। एक महीने में आप एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। आपने इसमें थ्योरी पढ़ी होगी, थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, थोड़े हाथ पैर मारे होंगे, खुद की टेस्टिंग करी होगी। एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन जर्नी की शुरुआत हो गई है। अब आपको प्रैक्टिकल काम चाहिए, अब आपको क्लाइंट चाहिए, ताकि रियल ग्राउंड पे आप काम करो और सीखो। ज्यादा सर्व कर पाओगे, ज्यादा अपना रेवेन्यू बढ़ा पाओगे, इस चीज को समझना होगा। अब क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करेंगे? क्लाइंट्स को एक्वायर करने से पहले एक चीज है जो जरूरी है, कि आपका कोई ना कोई प्रोफाइल जरूर होना चाहिए। देखो, इस वजह से हम रोकेंगे नहीं कि हमारी बहुत सुंदर वेबसाइट होनी चाहिए, हमारा सोशल मीडिया पे हर तरह का हैंडल होना चाहिए, हमारा लिंक्डइन भी एक्टिव होना चाहिए। हम रुकेंगे नहीं, हम स्टार्ट करेंगे। मैंने जब सेल्स की शुरुआत करी थी, मैं किसी भी चीज की वेट नहीं करता था, मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखता था कि यार क्लाइंट आने चाहिए, धीरे धीरे सब बनता जाएगा। सजेशंस दे रहा हूं, लेकिन प्री रिक्विजिट नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये हो। कोशिश करो कि 2 या 3 दिन लगा के, वैसे एक दिन में ही हो जाएगा, अपनी एक बेसिक सी वेबसाइट बना लो। आप कौन हो, आपने क्या सीखा है, आप क्या करना चाहते हो, किस तरह के क्लाइंट से डील करना चाहते हो। यहां पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन विजन होगी। क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड हो तो आपको कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, तो आपकी विजन काफी है, सफिशियंट है। अब इस तरह की वेबसाइट बनाने में आप वेबसाइट टूल्स यूज कर सकते हो, wix.com यूज कर सकते हो, godaddy.com यूज कर सकते हो। इस तरह के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे आप बहुत आसानी से ड्रैग ड्रॉप करके वेबसाइट बिल्डर में कोई भी आसानी से बना सकता है वेबसाइट। नहीं तो कम से कम एक फेसबुक का पेज बना लो, कुछ नहीं तो एक PDF बना लो यार, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बना लो, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लो। कुछ एक प्रोफाइल आपके पास जरूर होना चाहिए शुरुआत करने के लिए। जितनी मेहनत ज्यादा कर सको, जितना अच्छा बना सको, उतना बेनिफिट रहेगा। अब अगले पॉइंट पे जाने से पहले बहुत बड़े शायर हिमीश मदान की शायरी सुनिए। अर्ज किया है, नीचे कमेंट्स में इरशाद लिख देना। सुबह सुनहरी होती है अंधेरी रात के बाद, सुबह सुनहरी होती है अंधेरी रात के बाद, रास्ते हसीन होते हैं सफर की शुरुआत के बाद। किसी भी डिजिटल मार्केटर को या किसी भी मार्केटर को कभी पूछ के देखो, लाइफ के सबसे हसीन दिन कौन से थे, किनको वो सबसे ज्यादा चेरिश करता है, तो वो शुरुआत के दिन होते हैं। गैरी वी या इनकी वीडियोस में आपने हमेशा सुना होगा, फर्स्ट क्लाइंट, सेकंड क्लाइंट, पहले 3-4 क्लाइंट्स के लिए जो मेहनत करी, जब समझा, जब खुद को ग्रो किया, वो सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं। ये सारी गेम ना शुरू के कुछ क्लाइंट्स की होती है, और माइक्रो एजेंसी के केस में जो आप बना रहे हो स्पेशलाइज्ड एजेंसी, सिर्फ एक क्लाइंट आपको चाहिए। एक क्लाइंट को अगर आपने अच्छे से डिलीवर कर दिया, तो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री, स्पेशलाइज्ड सेक्टर के बाकी लोगों को आपके पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपने कंपटीशन किल कर दिया है। आप स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हो, और क्योंकि आप मार्केटर हो, आपने कोई एक स्किल मार्केटिंग की सीखी है, तो आपके लिए पहला क्लाइंट मुश्किल नहीं होगा। अगर आप एड एक्सपर्ट बने हो, तो आप एड रन करोगे और अपने पहले क्लाइंट को अपने पास ले आओगे। आप ऑर्गेनिक चलना चाहते हो, एड्स पे पैसा नहीं लगाना चाहते, आप कहोगे मैं वीडियो मार्केटिंग करूंगा, मैं वीडियो मार्केटिंग से अपने पहले क्लाइंट को ले आऊंगा। मैं मैप्स में सीख गया, मैं मैप्स यूज करूंगा, मेरा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं फर्स्ट क्लाइंट को ले आऊंगा। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने एक महीना खुद को ट्रेन किया है। आप देखो, कोई भी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, इससे ज्यादा नहीं लेगी। लेकिन 30 दिन में अगर आप 6 घंटे भी रोज लगाते हो, मैं तो कहूंगा 10 घंटे रोज लगाओ यार। मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट का मजा भी नहीं आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओवरनाइट फॉर्मूला नहीं है कि ये वीडियो देख ली अगले दिन 1 लाख आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फर्क यह है कि डिजिटल में जब आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट कई गुना बड़े होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये स्केलेबल है, ये ऑटोमेटेड है, ये घर बैठ के किया जा सकता है।
बाकी जगह मेहनत ज्यादा लगानी पड़ सकती है, बट मेहनत है। तो अगर आपके पास एक महीना आपने 15 घंटे 20 घंटे में कुछ सीखा है, तो बाकी 150 घंटा या 200 घंटा जो आपके पास महीने में है, वो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए है, वो आपके पास प्रैक्टिकली चीजों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और इस सबसे जो सीखोगे, एक क्लाइंट नहीं ला पाओगे, इस पे कोई डाउट ही नहीं है, ज्यादा ही लाओगे। अब आप अपने मार्केटिंग के तरीके तो यूज करोगे क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये बोल दूं और मैं कहूं मेरा काम आसान हो गया, आपके ऊपर डाल दिया, तो भाई बोलने का या भाई बनने का मैंने फर्ज नहीं निभाया। तो मैं आपको तरीके जरूर बता रहा हूं, लेकिन इस पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं शायद आपको इन तरीकों की जरूरत ना पड़े। एक चीज आप कर सकते हो, ये थोड़ी हटके चीज है लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप 10-15 अपनी इंडस्ट्री अपनी फील्ड को चूज करने के बाद 10-15 ऐसे बिजनेसेस या प्रोफेशनल्स या लोगों की लिस्ट बनाएं और उनके काम के अंदर घुस के देखें। मैं एग्जांपल देता हूं कि आज से 1.5 साल पहले मेरे पास एक ईमेल आई थी कि आपके फेसबुक में ये कमियां हैं, ये किया जा सकता है, आपके इंस्टाग्राम में ये कमियां, ये किया जा सकता है। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम एक्सपर्ट हूं स्पीकर्स के, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ था कि मैंने इसको ये काम नहीं बोला, तब भी उसने मुझे कुछ टिप्स दे दी और बता दिया कि मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। मेरे बारे में इतनी रिसर्च उसने बिजनेस लिए बिना करी है, और अगर इसको बिजनेस दे दूंगा तो मेरे लिए क्या क्या करेगा, क्योंकि इसने मेरी प्रॉब्लम्स को समझ लिया है। तो आप अपने फील्ड की जो भी आपने स्पेशलाइजेशन चूज करी है, वहां कुछ लोगों की लिस्ट बनाएं, एनालिसिस करें, रिसर्च करें, क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी उनको दे सकते हैं, और ईमेल कर सकते हैं, उन लोगों की ईमेल आईडीज निकाल सकते हैं, इंटरनेट पे आपको हमेशा मिलेंगे। लोकल लेवल पे कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि ये काम में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप किसी के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, आप बैठे हैं कानपुर में, वो है मुंबई में, आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको ईमेल करनी है, ईमेल आप कर सकते हैं। और क्योंकि हम बड़ी कंपनीज पे फोकस नहीं कर रहे, तो हमारा एंट्री बैरियर बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें हीरो कंपनी के मार्केटिंग हेड से बात करनी है, हमें एक स्मॉल लेवल पे बात करनी है। आपकी कॉल भी पिक होने के चांस है, आपकी ईमेल पढ़े जाने के भी चांस है, आपके नेटवर्क में, आपके सर्कल में भी, कॉन्टेक्ट में भी ऐसे लोग होंगे, वहां से भी आपको क्लाइंट मिलने के चांस है। तो ये जो पहला तरीका मैंने आपको बताया, ये आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है, लेकिन वहां पे आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा, बट मेहनत करने में आप उसको भी अनलॉक कर सकते हो, वो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। अपवर्क होगी, फाइवर होगी, freelance.com, freelance.in होगी, यहां पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो। फायदा ये है कि यहां पे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं फ्रीलांसर्स ढूंढने के लिए। वो ढूंढेंगे कि मेरे को सोशल मीडिया का काम करवाना है कौन है, मेरे को वीडियो एडिटिंग करानी है, वीडियो मार्केटिंग करानी है, कौन कर सकता है। तो यहां पे आपको बने बनाए एक मार्केट प्लेस मिल जाती है, जहां पे आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हो और जिसको भी आपकी नीड है वो आपको अप्रोच कर लेगा। यस, यहां पे कंपटीशन है, लेकिन ये भी तो सच है कि बिजनेस है, इसीलिए कंपटीशन है। तो कंपटीशन को तोड़ना कैसे है? स्पेशलाइज करके, प्रोफाइल को अच्छा करके। ये वाले तरीके को भी आप यूज कर सकते हो। बेनिफिट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आपको मिलते हैं। बहुत सारे यूएस के लोग, यूरोप के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इंडियन फ्रीलांसर से काम करवाते हैं, इंडियन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से काम करवाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है गुड़गांव में, वो सिर्फ दुबई की कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग करता है, यानी कि जो अर्निंग है वो दुबई के बेस पे है, काम जो हो रहा है, जो टीम है वो इंडिया के बेस पे है। तो जो डॉलर का डिफरेंस है या जो करेंसी का डिफरेंस है, धीराम का डिफरेंस है, उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। जो मैंने पहला तरीका बताया वो आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो। तीसरा एक और तरीका, अगर रियल के एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हो ना, अगर थोड़ा सा मिट्टी के साथ खेलना पसंद है, जैसे मैंने अपनी लाइफ में ग्राउंड लेवल पे सेल्स करी हुई है, मैंने धूप देखी हुई है, मैंने जनरल डब्बे में लटक के ट्रेन के सफर किए हुए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। हालांकि डिजिटल जमाने में आपको शायद जरूरत ना पड़े, आप अपनी मार्केटिंग से क्लाइंट्स ले आओगे, लेकिन एक तरीका है, ट्राई कर सकते हो लर्निंग के लिए। लोकल लेवल पे जाओ, छोटे छोटे शहरों में ऐसे कई बिजनेसेस होंगे, कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये टीचर्स, कितने लोग होंगे जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, स्मॉल बजट पे उनके साथ स्टार्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो। किसी भी रेस्टोरेंट के पास आप कह सकते हो ना कि मैं आपकी सेल इंक्रीज कर सकता हूं, मैं आपकी फुटफॉल इंक्रीज कर सकता हूं, स्कूल आपकी मैं एडमिशन इंक्रीज कर सकता हूं, सीए आपके पास मैं क्लाइंट्स इंक्रीज कर सकता हूं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम आपका है ना, मैं आपको इस शहर का बेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर बना सकता हूं, आपके एसी ज्यादा बिकवा सकता हूं, आपके मोबाइल फोन ज्यादा बिकवा सकता हूं। ग्राउंड लेवल पे जब आप लोगों के पास जाओगे, लोग पूछेंगे कैसे, और आप उनको बताओगे डिजिटल, और हर कोई ऑलरेडी डिजिटल 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 सुन रहा है, वो इंटरेस्टेड होगा। फिर आपकी कन्विक्शन, आपकी नॉलेज है जो आपको बताओगे, उसको कोई केस स्टडी दिखाओगे, उसको किसी और की एग्जांपल दिखाओगे, और आपको अपने पहले इनिशियल क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अगेन, हमें गेम सिर्फ पहले दूसरे क्लाइंट तक की है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स बोलेंगे। सो ये पहले क्लाइंट तक पहुंचने के पीछे जो आपकी हिम्मत है, उसके पीछे जो स्ट्रेटजी है, जो मेहनत है, इसको बहुत चेरिश करोगे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला। आज बहुत सारी शायरियां जोर जोर से आ रही है ना, एडिटिंग वाले भाई साहब, इन शायरियों को काटना मत,
वीडियो के अंदर सजा देना और साथ में वाह वाह लगा देना। तो अब हम आ गए स्टेप 5 में, जिसमें हम रेवेन्यू को समझेंगे और अपने बिजनेस का 1 ईयर ब्लूप्रिंट समझेंगे। हालांकि मैंने कुछ कुछ आपको बता दिया, लेकिन एक समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने एक टेबल के फॉर्म में होगा, तो आप भी उसको याद रख पाओगे, स्क्रीनशॉट ले पाओगे। तो पहले 3 महीने जो है ना, उसको मैं कहूंगा तप फेज, तपस्या से भी जो ऊपर है, तप, राइट। तपस्या तो कई बार करनी पड़ती है, लेकिन पहले 3 महीने आपके लिए तप है, अगर बड़े सपने हैं, अगर कुछ बड़ा उखाड़ना है तो। फर्स्ट मंथ आपका लर्निंग हो गया, ये हमारा डिसाइडेड है, क्लियर है, स्पेशलाइजेशन हमने डिस्कस कर ली। सेकंड मंथ जो है वो आपका है इनिशियल क्लाइंट्स, शुरुआती क्लाइंट्स, जो मैंने पिछले पॉइंट में आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, शुरू के जो क्लाइंट्स है, पहला दूसरा तीसरा क्लाइंट, अगर जरूरत पड़े तो आप बिना पैसे के काम करो, राइट, क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, तो आपको भी प्रोफाइल चाहिए, यार कोई मेरे साथ मेरे प्रोफाइल में आए कि मैंने इसके लिए काम किया, पहला क्लाइंट। दूसरा क्लाइंट, तो आप फ्री में सर्विस दे सकते हो, अगला कहेगा भी तू फ्री में क्यों करेगा, तो सीधा कारण है कि मैं एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूं। या फिर आप रेवेन्यू शेयर कर सकते हो कि मैं आपके लिए काम करूंगा, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट आया आप मेरे को दे देना, मैं आपको लीड्स लाके दूंगा, उस पर लीड आप मेरे को दे देना, मेरे को आप मंथली फीस मत दो, या आपको पर बिजनेस, मैं आपको लिए सेल इंक्रीज करूंगा, पर सेल मेरे को जो मेरे थ्रू सेल आई है उसमें कमीशन दे देना। तो ये आपका सेकंड मंथ जो है वो इनिशियल क्लाइंट्स है, शुरू के क्लाइंट्स है। अभी पैसा नहीं देखना, अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखना जरूरी है, अभी तो तपस्या करनी है हमें, दिन रात एक करके उस क्लाइंट के लिए बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं, ताकि हमारी गुडविल भी बने और हम सीखें भी। तो ये जो पहले 3 महीने है ना तप फेज, इसमें ये फोकस नहीं है कि हमारे पास 10 क्लाइंट्स, 20 क्लाइंट्स, 50 क्लाइंट्स हो, इसमें ये फोकस है कि इंडस्ट्री के अंदर इसको अच्छे से समझ जाएं, इसकी एक्सपर्टीज पूरी तरह हासिल कर ले, थ्योरेटिकल नॉलेज हमने ले ली, एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए, अब प्रैक्टिकली 2-3 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, पैसा नहीं देख रहे लेकिन अंदर घुस रहे हैं। बी पेशेंट, आगे बहुत बड़ी चीजें होंगी, शुरुआत में पेशेंट रहो। अब 4th मंथ से जो 9th मंथ है, ये तप तो नहीं है लेकिन तपस्या जरूर करो, रिलैक्स नहीं होना अपने को, अभी काफी कुछ करना है। ये 4-9 मंथ्स में आप फी चार्ज करना शुरू करोगे। शुरुआत में एजेंसीज 10,000 से लेकर 30,000, 40,000 पर मंथ चार्ज करती हैं, तो आप अभी अकेले हो, एक इंडिविजुअल हो, 10,000 से 40,000 ले सकते हो, 2-3 क्लाइंट्स, 4 क्लाइंट्स एट अ टाइम आप डील कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता जाता है, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, आपका प्राइस बढ़ता रहता है। मेरे पास इस वक्त एक डिजिटल मार्केटर है जिसको मैं 10,000 पर मंथ देता हूं, एक है जिसको मैं 60,000 पर मंथ देता हूं, और एक है जिसको मैं 1 लाख रुपीस पर मंथ देता हूं। तीनों का फर्क क्या है? एक्सपर्टीज का। रोज के 1-2 घंटे मेरे को देते हैं, वो पूरा दिन मुझे नहीं देते। तो इमेजिन, जिसने ज्यादा एक्सपर्टीज बिल्ड करी है वो सिर्फ मेरे से 1 लाख रुपए पर महीना लेता है, तो ऐसे उसके पास 5 से 6-8 क्लाइंट्स होंगे, तो वो 6 से 8 लाख रुपए पर मंथ अपनी एक्सपर्टीज के सर पे कमा रहा है। ऑफकोर्स उसके पास एक्सपीरियंस है। शुरू में 10,000-20,000 से शुरू होगा। जितनी जल्दी आप लर्निंग लोगे, जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस लोगे, जितना ज्यादा हैंड्स ऑन अपने आप को कर लोगे, दिस इज द फ्यूचर एंड यू विल बी रूलिंग इन द फ्यूचर। अब एक तो तरीका है कि आप अकेले काम करते रहो, लेकिन इसमें आप पैसा चाहे कमा लोगे, लेकिन एक लिमिट होगी, एक टाइम पे 5 से 6 क्लाइंट्स हैंडल कर पाओगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। किसी भी एरिया के अंदर हो, 5 से 6 क्लाइंट्स आप डील कर पाओगे। मेरी ये सजेशन आपको नहीं होगी, मैं हमेशा कहूंगा शुरुआत अकेले करो, लेकिन उसके बाद काफिले बनाओ, एंटरप्राइज बनाओ, कंपनी बनाओ, कुछ बड़ा बिल्ड करो। हमें और क्लाइंट चाहिए। अब आपका फोकस धीरे धीरे बिजनेस के ऊपर आना शुरू हो जाना चाहिए। आपने नॉलेज गेन कर ली, अब आप अपने नीचे इंटर्न्स रख सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। आज की डेट में ये डिजिटल काम है, 3-4 लोग अपने अपने घर में बैठ के आपके लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट पे हो रहा है। मैं खुद कर रहा हूं इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूं। तो आप अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ सकते हो, पार्टनर्स जोड़ सकते हो, एम्प्लॉयज जोड़ सकते हो, इंटर्न्स जोड़ सकते हो। नॉलेज आपके पास है, काम कैसे किया जा सकता है आपको पता है, क्लाइंट कैसे मिलते हैं आपको पता है, क्लाइंट से डील कैसे करना आपको पता है, रिजल्ट्स आपके पास है। नाउ इट इज अ टाइम कि हम 5-6 क्लाइंट पे नहीं रुकेंगे, अब हम टीम बनाएंगे, हम और क्लाइंट्स लाएंगे, टीम बनाएंगे और क्लाइंट्स बनाएंगे। आने वाले कुछ महीनों में हम अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, मे बी 9th मंथ तक आपके साथ 3 से 4 लोग जरूर जुड़े हो। ये चीज आप कर सकते हो तपस्या फेज में। नेचुरल सी बात है, आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, आप टीम क्रिएट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। इस टाइम पे अगर आपके पास 10 के करीब क्लाइंट्स हैं, तो आपका 2-3 लाख का रेवेन्यू होगा। 60% एक्सपेंसेस निकाल देते हैं, सैलरी निकाल देते हैं, कई तरह के खर्चे हैं, सिस्टम का खर्चा है, लैपटॉप का खर्चा है, सब निकाल दें, तब भी 50,000-1 लाख रुपीज आपके पास 9th मंथ में आने की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। मेहनत आपकी है, रिजल्ट्स सबके अलग अलग होंगे, कोई इससे आगे होगा, कोई इससे पीछे होगा, लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है। सो तप हमने कर लिया, तपस्या हमने कर ली, अब आ गया 9th-12th मंथ। अब एक तरीका तो है कि ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करते जाएंगे, 12th मंथ तक 1 लाख रुपए मिनिमम हम प्रॉफिट क्रिएट कर पा रहे होंगे, कुछ लोग हमारे साथ काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छा है, चलते रहो।
आप में से कुछ लोग कहेंगे ठीक है 1 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है सफिशियंट है, लेकिन गोल 1 लाख नहीं होना चाहिए। ये जो रेवेन्यू है ना, ये बाय प्रोडक्ट है। गोल है कुछ बड़ा क्रिएट करना, गोल है रुकना नहीं, गोल है अपने पोटेंशियल को टेस्ट करना। आज हो सकता है आपको 1 लाख इंपॉर्टेंट लग रहा हो, लेकिन जब वहां पहुंचोगे ना तो ये 1 लाख इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आपके खर्चे मीट हो रहे होंगे, आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी, तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैं और क्या कर सकता हूं, मेरा पोटेंशियल क्या है, उस जर्नी को एंजॉय करोगे, एक बड़ी एजेंसी कैसे बनानी है, लोगों को कैसे लीड करना है, क्लाइंट्स को कैसे ज्यादा सर्व करना है, डिजिटल के अंदर नई नई चीजें कैसे करनी है, इस चीज को आप ज्यादा एंजॉय करोगे। मैं हर थर्सडे 3 बजे अपनी रेवेन्यू की रिपोर्ट्स देखता हूँ। थर्सडे के दिन मैं देखता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटीज क्या है, बिजनेस में रेवेन्यू कैसा आ रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है, मेरी कहाँ इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इसके अलावा बाकी 6 दिन मैं इंजॉय करता हूँ, इंजॉय करता हूँ काम को, इंजॉय करता हूँ वीडियोज बनाना, स्टार्टअप बिल्ड करना, कोर्सेज बिल्ड करना, मार्केटिंग बिल्ड करनी, इस तरह की चीजों को इंजॉय करता हूँ। सो अगर आप भी एम्बिशियस हो, पैशनेट हो, सिर्फ देहरादून के टीचर्स की टॉप वीडियो मार्केटिंग एजेंसी नहीं बनना चाहते, आप उत्तराखंड के टीचर्स की टॉप एजेंसी बनना चाहते हो, आप इंडिया के टीचर्स की टॉप एजेंसी बनना चाहते हो, आप वर्ल्ड के टीचर्स के लिए बेस्ट वीडियो मार्केटिंग एजेंसी बनना चाहते हो, तो आपको भी एक्सपेंशन को समझना होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब एक्सपेंशन की बात करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ऑफकोर्स अपने अपने लाइन ऑफ बिजनेस है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से आप एक्सपेंशन में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इस वक्त मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो, आपके विजन में हो। डिटेल में अभी समझना जरूरी भी नहीं है और अभी स्टेज भी नहीं है, लेकिन आइडिया होना जरूरी है। आपको अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेनी चाहिए। शुरू में नहीं भी करी, 1 साल आपने नहीं करी, इट्स ओके, आप सेल्फ प्रोप्राइटरी चल रहे हो, अच्छा है। लेकिन 1 साल बाद जब एक्सपैंड करना है, जब बड़ा होना है, तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो। कल को आप फंडिंग लोगे, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कोई बड़ी कंपनी अपना स्टेक आप में इन्वेस्ट करना चाहती है, आपकी एजेंसी इतना अच्छी चल रहा है कि कोई ग्रुप एम, पब्लिसिस, WPP इस तरह की कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, तो आपके पास उस वक्त एक रजिस्टर्ड कंपनी हो। हायरिंग के सिस्टम्स बहुत क्लियर हो, आपके पास HR का पर्सन हो ताकि आपकी हायरिंग बेस्ट हो। हायरिंग में एम्प्लॉई को ऑनबोर्ड कैसे करना है, हर एम्प्लॉई के टास्क डिफाइन है, आपको सिस्टम्स क्रिएट करने हैं, आपको प्रोसेस क्रिएट करने हैं, इस तरह के लोग हायर करने हैं कि आपकी कंपनी सिस्टमैटिकली चले ताकि आप अपनी माइंड स्पेस बड़ी चीजों पर लगा पाओ। डिजिटल में तेजी से आगे बढ़ना है तो एक और चीज आप कर सकते हो, केस स्टडीज। जो भी आपके बिजनेस में आपने किसी क्लाइंट को सर्व किया, उसके लिए रिजल्ट्स क्रिएट किए, उसकी केस स्टडी बनाओ और पब्लिश करो, अपने सोशल मीडिया पे पब्लिश करो, लोगों को बताओ, उससे आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है, आपकी गुडविल बढ़ती है, क्योंकि आप सच में कुछ उखाड़ रहे हो और उसको सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो। अब यहां पे अगर किसी का भी क्वेश्चन है कि ये सब घर बैठे कैसे होगा, तो कोविड ने हमें ये सिखा दिया है कि घर बैठ के कंपनीज चलाई जा रही हैं। इस वक्त कितने बिजनेसेस हैं, मैं गुड़गांव में सड़क पे निकलता हूं, खाली है, क्योंकि सारी कंपनीज घर बैठे काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज घर बैठे काम कर रही हैं। मैं खुद इस वक्त 3 बिजनेसेस रन कर रहा हूं, लेकिन सारा कुछ अब घर बैठे हो रहा है। 4 महीने हो गए हम ऑफिस नहीं गए, हमने सीख लिया है कि घर बैठे एक्सपैंड किया जाता है, घर बैठे भी हायरिंग हो रही है। एक मेरा टीम मेंबर प्रशस्त कुल्लू से काम कर रहा है, एक मेरा टीम मेंबर सौविक असम से काम कर रहा है। तो आपकी तो एक डिजिटल एजेंसी है ना, इसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, राइट? लोग सिस्टम के साथ अगर आप अपने साथ जोड़ते हो तो घर बैठे आप बहुत बड़े बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये एक रात में नहीं होगा, ये सिर्फ वीडियो देख के रिजल्ट नहीं आ जाएगा, पूरा ब्लूप्रिंट है, आपको फॉलो करना है, आपको एक्शंस लेने हैं, मेहनत करनी है, लेकिन रिजल्ट कितना बड़ा है। मैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स को मिलता हूं, 3 साल 4 साल की पढ़ाई करी, लाखों रुपए पढ़ाई पे लगाए, लेकिन जॉब नहीं है। अगर जॉब है तो 5,000 रुपए महीने की है। 4 साल लगा दिए, लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन रिटर्न नहीं है। यहां पे आपने 1 महीना लगाया, उसके बाद यह सीखते रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली सीख रहे हो, साथ साथ कमा रहे हो, साथ साथ सीख रहे हो, और फ्यूचर में आपका एम्पायर कितना बड़ा हो सकता है, ये पोटेंशियल यहां एग्जिस्ट करता है। सो अगर आपको भी मेरी तरह डिजिटल बिजनेसेस अट्रैक्ट करते हैं, इनके रिजल्ट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, इनकी वर्किंग आपको अट्रैक्ट करती है, तो इन 6 पॉइंट्स को ध्यान से जरूर सोचना, जरूरत पड़े ये वीडियो दोबारा देखना। आपको लगता है कि आप किसी के साथ मिलकर करना चाहते हो, अपने साथ किसी पार्टनर, किसी को फाउंडर को, किसी दोस्त को इन्वॉल्व करना चाहते हो, उसके भी आइडियाज लो, ये वीडियो उसके साथ शेयर करो और समझो कि कैसे मिलकर आप ये कर सकते हो। मेरे से सीखना चाहते हो तो मैं आपको वीडियो मार्केटिंग सिखा सकता हूं, कैसे YouTube पे चैनल बिल्ड किया जाता है, कैसे YouTube पे ब्रांडिंग करी जाती है, वीडियोस के पीछे क्या होता है, वीडियोस के पीछे क्या साइंस होती है, ये सब कुछ आप सीख सकते हो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोप्रेन्योर में। इसके रिलेटेड एक कंप्लीट फ्री मास्टर क्लास है जिसमें मैंने कुछ सीक्रेट शेयर करे हैं और साथ में आपको ये बताया कि कैसे आप इस ट्रेनिंग में जुड़ सकते हो, इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हो, इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो ये थी मेरी एक कोशिश, एक बड़ी चीज को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके ब्लूप्रिंट के फॉर्म में डाल के आपको एक कंप्लीट नक्शा, एक कंप्लीट रोड मैप देने की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई लव यू ऑल।